आज पाठ पे 90 भाग हमारा है, तो ये 90 बनाम 10 की लड़ाई है। और जो चंद लोग अपने हिसाब से नैरेटिव देते हैं, अपने हिसाब से बहस को छेड़ते हैं, उन लोगों की महीन चाल को समझने का वक्त है। आखिर क्या वजह है कि तथाकथित मोदी लहर में भी 4.25 लाख वोट हासिल करने वाले तनवीर हसन जी पूरी मीडिया से गायब नदारद नजर आते हैं, और जो तीसरे नंबर की वो कटवा पार्टी है, उस सीपीआई के उम्मीदवार का रात दिन बखान किया जाता है, टेलीविजन के पर्दे हिलते हैं, गले की नसें फड़कती हैं, और तब उनके सजातीय एंकर को यह बुरा नहीं लगता। लेकिन जब कोई बहुजन समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा होता है, जो इस बेगूसराय की नुमाइंदगी 40 साल से संघर्ष के साथ कर रहे हैं, जब से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार 24 साल तक जो एमएलसी रहे हैं, उनको पूरे सीन से गायब कर देना, यह बताता है कि कुछ लोग इस देश की दिशा को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। एक जमाना था जब हमारे पुरखे उनके सामने बैठ नहीं सकते, खड़े रहना पड़ता था, और बेगूसराय में तो सामंतशाही अपने चरम पर थी। उस जगह पर अगर पूरी की पूरी राजनीति की धारा बहुजन डिस्कोर्स की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होता? यह चुनाव यह दिखाएगा कि अल्पसंख्यकों का, बहुजन समाज का सही मायने में नुमाइंदगी करने वाले कौन है। एक और खबर हमें मालूम चली कि नजीब की मां को आपने देखा होगा बेगूसराय में नॉमिनेशन के दिन सीपीआई के उम्मीदवार के साथ। नजीब कैसे गायब हुआ देश की राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से? इसकी ढंग से अगर तहकीकात हो जाए तो वो जिनके साथ घूम रही हैं उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। दिन दहाड़े कोई गायब हो जाता है और उसमें सीबीआई उसको खोज नहीं पाती, उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाती, जांच को बीच में बंद कर दिया जाता है, उसमें संघी गुंडे जितने गुनहगार हैं उतने ही कम्युनिस्ट भी उसमें शरीक हैं। ये लोग रात के अंधेरे में घूमने वाले हैं, तनवीर हसन दिन के उजाले में आपके बीच आने वाले हैं। इसलिए समझना पड़ेगा कि ये 2 साल के अंदर करोड़ों की अकूत संपत्ति जमा कर लेने वाला ये लड़का, कहां से इसकी फंडिंग होती है, कौन लोग इसको पैसे देते हैं? अरे भाई, कम्युनिस्ट को अगर चंदा ही देना होता है, यहां तो कम्युनिस्ट में सूरज दाबीवलिया से जीता करते थे, उनके पास तो यह ऐशो आराम नहीं था। यही आरा में महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजू यादव, उनको 40,000 ठीक से चंदे नहीं होते, और कहां 70 लाख जमा हो जाते हैं। ये कौन होते हैं चंदा देने वाले, किस समाज के लोग हैं? हमको आपको समझना पड़ेगा, ये शोषकों और शोषितों के बीच की लड़ाई है। इसी बेगूसराय में कुशवाहा हॉस्टल, किस दरिंदगी के साथ वहां के नौजवान लड़कों के साथ घिनौना काम किया गया, आज उस पर ताले जड़े जा चुके हैं। ये कौन लड़ाई लड़ेगा? क्या इस देश में बिहार जो एक निर्णायक भूमिका निभाता आ रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि पिछले 30 वर्षों से पिछड़ों का राज है इस बिहार में, और कुछ लोगों को बड़ी छटपटाहट है, बहुत खलबलाहट है, बहुत अकुताहट है कि कैसे पिछड़ों के राज को, दलितों के, बहुजनों के, अकलियतों के राज को खत्म करके फिर से खास तथा कथित उच्च जाति के अभिजात वर्ग के राज को वापस लौटाया जाए। उस राज को हमें वापस नहीं लौटाने देना है जो शोषितों का राज है, ये गरीबों मजलूमों का राज जारी रहना चाहिए। इसीलिए तनवीर हसन साहब जो पिछली बार बहुत कम वोटों से चूक गए थे, तनवीर हसन को जिताने का मतलब एक व्यक्ति विशेष को जिताना नहीं है, इस बात को लेकर हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। तनवीर हसन को जिताने का मतलब इस देश की जमहूरियत को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को जिताना है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का यह चुनाव है, उसको जिंदा रखने का चुनाव है। इसलिए हम सब लोग इस बात का प्रण लें, 29 तारीख को जो आप वोट डालने जाए तो आप अपने पास पड़ोस, अपने सगे संबंधी, 7 विधानसभा में जो जहां भी हो, जितना आप उन तक जनसंपर्क कर सके, जितने लोगों के ज्यादा से ज्यादा दरवाजे पर पहुंच सके, आप खटखटाएं और बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे इल्तिजा करें कि भाई किसी के झांसे में नहीं आना है,
एक आदमी के बारे में आप सबको मालूम है कि पटना में मोदी जी की रैली हो रही थी और उन्होंने ऐलान किया कि जो आदमी इस रैली में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। पता चला कि खुद उनके पेट में मरोड़ पड़ा, वो बीमार पड़ गए, वो नहीं आ सके। अब वो गिरिराज सिंह अपने मुताबिक ही क्या देशद्रोही है? आजाद हिंदुस्तान में क्या देशद्रोह की बात करेगा कोई? इसलिए एक तरफ गिरिराज सिंह जिनके यहाँ करोड़ों बरामद हुए थे पिछले चुनाव में, एक ऐसा बदजबान बदतमीज बेतहजीब आदमी आपके बीच में है, तो दूसरा वही उतना ही झूठा और मक्कार जो गलत खबर प्लांट करा रहा था तनवीर हसन तो नॉमिनेशन ही नहीं करने जा रहे। ये ऐसा हवाहवाज है जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे मोदी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चुनाव लड़ रहे थे वैसे ही ये गलत सही खबर फेसबुक व्हाट्सएप न्यू मीडिया सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के उम्मीदवार हैं, तनवीर हसन जनता के उम्मीदवार हैं। और जनता की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं सुनाई पड़ती, वोट जब लालटेन पर जब बटन दबेगा तो स्पीक की आवाज मतदान केंद्र तक ही रहती है। वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि तनवीर हसन दिल्ली जा रहे हैं और बतौलेबाज लोग यहीं पर अगल बगल भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए इस बार इकट्ठा रहना है। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी और लालू जी का अलायंस था कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का, इस बार पांच पांच पार्टियां हम इकट्ठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोसपा है, जीतन राम मांझी जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हैं उनकी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है, तो वहीं पर मुकेश सहनी जी की विकासशील इंसान पार्टी है। पता ये पांच पार्टी के आगे ये अगलगवा पार्टी भारत जलाओ पार्टी और ये कनफुकवा पार्टी टिक पाएगी क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए महागठबंधन को जिताना है, हम सबको संकल्प लेना है तनवीर हसन साहब को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, जनता की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जनता का जो सदन है, उस लोकसभा में पहुंचाना है और गरीबों मजलूमों की आवाज वो बुलंद करने पाए। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में है कि 2021 का जो की जो जनगणना है वो जातिवार जनगणना होगी, कि कुशवाहा कितना है, जाधव कितना है, कोयड़ी कितना, कुर्मी कितना, धानव कितना, लोहार कितना, कुम्हार कितना, बेलदार कितना, बिंद कितना, पासे कितना, चमार कितना, डोम कितना, कलवार कितना, ये सारे जातियों की गिनती होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और उसके हिसाब से संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। आपको मालूम है कि मिश्रा जी बाहर घूम रहे हैं और लालू यादव जेल के शिक्षे में बंद कर दिए गए हैं। ये किस तरह की न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं, मैं जुडिशरी में जजमेंट पर किसी जज के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह साफ दर्शाता है कि लालू यादव जिनके राजपाट में 1995 में 17 कुशवाहा को टिकट 19 कुशवाहा को टिकट दिया गया जिसमें 17 ने जीत हासिल की, 2015 के चुनाव में 6 कुशवाहा समाज के भाइयों को टिकट दिया गया जिसमें 5 ने जीत दर्ज की, और आज बिहार प्रदेश का राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़े और पिछड़े लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, जहाँ रामचंद्र पूर्वे बनिया समाज से आते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष है, वही आलोक मेहता जी कुशवाहा समाज से आते हैं वो राजद के प्रधान महासचिव है, इन दो समाज के लोगों के नेतृत्व में आरजेडी चल रहा है, फिर भी लोग कहेंगे जातिवाद हो रहा है, ये कौन लोग हैं? उसी डोम जाति से भोलाराम तोखानी जी को मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद ने किया, तो चमार समाज के रमई राम जी को मंत्री बनाया था, उनको तो शंकराचार्य तक घोषित कर दिया था, इसलिए सामाजिक क्रांति का भी चुनाव है। और जो लोग अम्बेडकर के रास्ते पर चलते, लालू प्रसाद के पास दो ही रास्ते बच गए थे, एक तो ये अपने छोटे भाई की तरह वो संघ के साथ हाथ मिला लेते, उनके गोद में बैठते, उनके झूले में जाके हिंडोले खाते, और दूसरा संघ के यहाँ जाके वो नतमस्तक हो जाते। लेकिन उन्होंने इन दोनों रास्तों में से कोई नहीं चुना, न वो छोटे भाई की राह पकड़े, न संघ के आगे झुके, उन्होंने चुना रास्ता फिर का परस्ती का फन कुचलने का रास्ता, नफरत गर्दी को मिटाने का रास्ता, अंबेडकर फूले पेरियार बिरसा तिलका मांझी सिद्धो कानों का रास्ता, और उसी रास्ते पर चलने के चलते आज वो जेल में बंद है। इस देश में सिर्फ आर्थिक प्रश्न नहीं है, क्या जाति का भी प्रश्न है कि कौन लोग कहां पर बैठकर चीजें तय कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हाई कोर्ट में जज के आसन से यह टिप्पणी अगर आए किसी भी अदालत में कि ठंड लगती है तो तबला बजाइए, गाय भैंस चढ़ाने का तजुर्बा है तो इसलिए ओपन जेल में रखिए, तब तो किसी को सब्जी उगाने का अगर
तजुर्बा है तो आप उसको खेत में मचान गाड़ के बोलिएगा इनको ठंड में रखा जाए। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है? संविधान पर ये लोग चलते ही नहीं, इसीलिए नागपुर के मुख्यालय में इनको तिरंगा फहराने में इतने साल गुजर गए। आज कहने को तो एक दलित राष्ट्रपति बैठा हुआ है, कहने को एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन ये लोग लगातार दलितों पिछड़ों के हितों के खिलाफ काम करते हैं। तनवीर हसन जी अगर जीतेंगे, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, वो लगातार वो युवा लोक दल में भी रहे, युवा जनता दल में भी रहे और लालू जी के कंधे से कंधे मिलाकर सोशल जस्टिस राजनीति को सींचने का काम किया, तो इस देश का संविधान भी बुलंद रहेगा। और मैं आपसे कहूँ, अपने प्रिय नेता, अपने यशस्वी तेजस्वी नेता भाई तेजस्वी जी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि भले हमको एक भी सीट नहीं आए, लेकिन संविधान को हम एक इंच भी हिलने डुलने नहीं देंगे। ये है हमारा कमिटमेंट, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। और उनके अध्यक्ष अमित शाह बोल रहे थे कि अगर हम जीत जाते हैं इस बार तो 50 साल तक राज करेंगे। अरे अमित शाह जी, आप ये बताओ कि 50 साल तक चुनाव कराओगे कि नहीं कराओगे? अरे 50 साल तक आप कैसे राज करोगे, आप तो इसी बार जाने वाले हो बोरिया बिस्तर बांध के। और बेगूसराय की जनता खदेड़ेगी गिरिराज सिंह को भी, चाचा को भी और उनके भतीजे कन्हैया को भी। रात में ये गुटुरगु करके मीटिंग करते हैं, ये गुफ्तगु करते हैं, ये बतियाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि भाई जाओ अति पिछड़ों के बीच में, अरे जाओ पसमानदा के बीच में, अरे जाओ अकालियत समाज मुसलमानों के बीच में, अब वहाँ दो चार पैसा वोट तोड़ दो तो हम सीधे सीधे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमको तो हमारे जात ऊंच जात का वोट दे ही रहा है। तो ये तनवीर साहब को चक्रव्यूह में फंसा के ये लोग घेरना चाहते हैं, लेकिन इतने इतने सेना भरे हुए हैं तो कैसे अभिमन्यु फंस जाएगा भाई। इसलिए इस बार तनवीर हसन साहब को एक एक वोट लालटेन छाप पर देकर यहाँ मौजूद माताओं बहनों हम आपसे अपील करते हैं, सबसे वोट दिलवाइए और तनवीर हसन जीतेंगे तो गरीबों का राज फिर से कायम होगा, लालू यादव जेल से छूटेंगे, तेजस्वी से मंत्री बनेंगे, आलोक मेहता साहब इस जनता की नुमाइंदगी करेंगे और फिर से अब्दुल वारी सिद्दीकी जी मंत्रिमंडल में होंगे। तो ये चुनाव है बहुजन समाज और अकलियत समाज के सत्ता में बने रहने के लिए, ताकि उस समाज के लोगों के साथ दरिंदगी भरा बर्ताव नहीं होने पाए। लालू यादव को जेल से छुड़ाने का चुनाव है। इस देश में तमाम जो लोग शोषित वंचित हैं उनको उनकी प्रतिष्ठा की जिंदगी बहाल करने का चुनाव है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपना एक एक वोट लाल कंचा पर देकर आदरणीय तनवीर हसन साहब को जिताएंगे और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। तो आप लोग सबसे हम अपील करना चाहेंगे कि तनवीर हसन जिंदाबाद, लाल कंचा जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, जगजीवन राम जिंदाबाद, लालू सोनिया जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देश की शोषित जनता जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबू जगजीवन राम जिंदाबाद, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जिंदाबाद। महापंत में यही जानिए, जगदेव बाबू कहते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये तीसरी पीढ़ी राज करने के लिए आई है, इसको इसके राज करने से कोई रोक नहीं सकता, इसको इसके रास्ते से कोई टोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। देश में अगर रीढ़ वाले नेताओं की लिस्ट बनेगी तो उसमें बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर आएगा, लालू प्रसाद का ऊपर नाम आएगा। यहीं पर वंचित समाज के लोगों ने देश को आईना दिखाने का काम किया है। जितना इस देश पर हक है, जितना इस देश की लड़ाई नेहरू ने लड़ी है, उतनी अबुल कलाम आजाद ने लड़ी है, उतनी ही लड़ाई सरदार पटेल ने भी लड़ी है, उतनी ही लड़ाई फूले ने लड़ी है, पेरियार ने लड़ी है, बिरसा ने लड़ी है। इसलिए इस देश में सबको बराबरी के साथ जीने का हक है। हम किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम वर्चस्वशाली ताकतों को हमेशा से चुनौती देते आए हैं, हमारे नेता ने चुनौती दी है और इसीलिए पिछड़ों का राज 30 साल से कायम है, ये कायम रहेगा दलितों वंचितों का राज। इस बात को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आप लोग तनवीर हसन साहब को जिताइए तो फिर लालू यादव भी जेल से छूटेंगे और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन जिंदाबाद, तनवीर हसन जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।